ट्रेड बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। झारखंड के चाईबासा में एक बार फिर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के पांचाल तुबरू गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 209 कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट दिलीप कुमार तिवारी गोली लगने से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक डिप्टी कमांडेंट दिलीप कुमार तिवारी के हाथ में गोली लगी है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। सर्च अभियान में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ की जानकारी देते हुए झारखंड पुलिस के आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि कोल्हान चाईबासा क्षेत्र में 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा अनलदा सहित अन्य शीर्ष नक्सलियों के एकत्रित होने की सूचना के बाद संयुक्त रूप से झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ 209 कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। देखिए, चाईबासा के कोल्हान क्षेत्र में संयुक्त बलों के द्वारा, जिसमें कि झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियंस और झारखंड जगवार की संयुक्त टीम्स के द्वारा एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज करीब 11:30 बजे के करीब जब एक नक्सलियों की आसूचना प्राप्त हुई थी कि ये नक्सलियों का एक जो दस्ता है वो रेला पराल इलाका है, ये चाईबासा कोल्हान क्षेत्र में वहाँ पे जमा है और कोई हिंसक घटना करने की योजना बनाए हुए हैं, उसी में संयुक्त बलों के द्वारा उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। और करीब 11:30 बजे नक्सलियों के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के क्रम में दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्षेत्र पूरा बारूदी सुरंग से भरा पड़ा है, ऐसे में हमारे जांबाज जवानों ने जो है उस क्षेत्र में जाकर उस नक्सली दस्ते के साथ ये उनकी मुठभेड़ हुई है। डिप्टी कमांडेंट, एक 209 कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट, उन्हें जो है लेफ्ट एल्बो में एक बुलेट इंजरी हुई है। उन्हें तत्काल जो है वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है और अभी वर्तमान में उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा रांची लाया जा रहा है और इनकी फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट जो है रांची में की जाएगी। वो आउट ऑफ डेंजर है, स्टेबल है और अभियान जो है वो लगातार अभी जारी है उस क्षेत्र में। कौन से नक्सली और अनलदा और इसकी पूरी जो टीम है, क्योंकि ये एकमात्र लास्ट आखिरी जो है नक्सलियों का जो क्षेत्र जो है बचा हुआ है, बाकी सभी क्षेत्रों से नक्सलियों को खदेड़ा गया है और पूरे झारखंड में उनका जो क्षेत्र है वो काफ़ी सिकुड़ गया है और 2-3 ही क्षेत्र ऐसे बचे हैं जहाँ पे अभी भी कुछ गतिविधि नक्सलियों की है। उसमें से ये सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव क्षेत्र है कोल्हान, और झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा विगत दो वर्षों से लगातार जो है इन क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। और ख़ासकर अभी जो कोल्हान क्षेत्र, जो एक तरीके से उनका आखिरी गढ़ बचा हुआ है, उस क्षेत्र में ये अभियान लगातार चल रहा है। और यहाँ पे सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर हैं मिसिर बेसरा और अनलदा, जो कि 1 करोड़ की इनामी है, ये उन्हीं की टीम्स है और उसी दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई है। वर्तमान में जो है अभियान अभी भी लगातार चल रहा है और जो हमारे इंजर्ड साथी हैं उनको इवैक्यूएट करके रांची लाया गया है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।